बहुत प्रिय, वो शिव जी के मंदिर में आता बहुत सेवा करता, तो भगवान का बड़ा प्रिय था। एक दिन भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ने कह दिया कि एक काम करो, तुम मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ठीक है, इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बोलते रहोगे मैं खुश होता रहूंगा, और मैं 15 दिन बाद आके सुनूंगा तूने मंत्र का जाप किया कि नहीं किया। वो बेचारा गाय चराता था, गाय चराने में लगा रहता था, गाय भैंस उसके यहां बहुत थी, वो भैंस गाय चराए। अब एक दिन भैंस चराते 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 मंत्र बोलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन उसकी भैंस चली गई आगे, ढूंढता रिया, अब भैंस गई तो मंत्र भूल गया। इतने में कोई आके बोला, ओए वो तेरी भैंस जाए, वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, इसने इसी के चरण पकड़ ली, भैया मैं कोई मंत्र बोल रहा था तुझे याद है क्या? हाँ, तू कुछ चिल्ला तो रहा था ओम भैंस जाए, उसने कहा यही मंत्र था, उसने जपना प्रारंभ करा, ओम भैंस जाए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने? पार्वती जी बोली, तुम्हारे तो हजारों नाम है प्रभु, आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जब वो नीचे वो है ना उससे पूछ किया कि वो किसका नाम ले रहा। पार्वती जी एक ब्राह्मण पत्नी का रूप रख के उसके सामने जाके पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया किसका नाम ले रहा है? अब उसको लगा कि बड़ी मुश्किल से तो नाम छूटा था, भूल गए थे, याद आया, वो भी बेचारे दूसरे ने याद दिलाई है, तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती कि अपना नाम याद दिलाएगी, इससे बात मत करो, अपन तो चिल्ला चिल्ला के जाप करो, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने उसको हिला के पूछा किसका नाम ले रहा है, उसने उधर मुंह कर लिया, इधर खड़ी थी पार्वती, पार्वती जी उधर चली गई, हाथ जोड़ के बोली बता तो दे किसका नाम ले रहा है, उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी उधर आ गई, अरे एक बार मुंह से बोल तो सही किसका नाम ले रहा, ओम भैंस जाए। पार्वती जी को बोल के इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी फिर उधर चली गई। अब तो इसको गुस्सा आ गया भयंकर, पार्वती जी ने जैसे ही पूछा किसका नाम ले रहा है, उसने कहा तेरे खसम का ले रहा है, जा। पार्वती जी वापिस आ गई, शंकर जी ने पूछा, पूछिए हो किसका ले रहा, मेरे खसम का, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा किसी का ले ही नहीं सकता। शिव जी प्रसन्न सामने प्रकट हो गए, शंकर शंकर हो घड़ी है, दयालु, उसके सिवा कोई दुनिया में इतनी प्रसन्नता में, सहज भाषा में, एकदम सरल, तुम जो बोलो उसको स्वीकार हो जाता, जो बोलो। लोग कहते हैं शंकर जी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं दुनिया का भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला एक ही देवता है, वो देव अधिदेव महादेव है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोला, शिव प्रसन्न, उन्हीं का चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा के धोके वापिस चढ़ा दो, शिव प्रसन्न, उनके मंदिर में झाड़ू लगा दो, शिव प्रसन्न, मंदिर में भी नहीं जाओ तो शिखर का दर्शन कर लो, शिव प्रसन्न। इतना सरल देव कहां मिलने वाला, कहां मिलेगा। दिखा, रुक्मिणी जी हंस रही हैं।